हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एज डॉन टेक्निकल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2019 का सबसे बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन कौन कौन सा है, पर्टिकुलर इंडिया के लिए। बाहर की कंट्री के लिए मैं नहीं बताऊंगा। अगर बाहर की देखना है तो और भी वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर देना। ऑल ओवर वर्ल्ड देखना है तो, और इस वीडियो में इंडिया की बात करेंगे, कौन सा फ़ोन ने सबसे ज़्यादा यूनिट बेचा है और कौन सी कंपनी का वो फ़ोन है, और क्या पता आपके हाथ में जो फ़ोन है वही सबसे बेस्ट सेलिंग हो सकता है। तो सबसे बेस्ट ना होगा तो किसी किसी लिस्ट में तो होगा। टॉप 10 की बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं, और बहुत सारा इंटरेस्टिंग फ़ोन है। तो चलिए पहले बढ़ते हैं अपना लिस्ट की तरफ। 10th नंबर की बात करें तो 10th नंबर पे है हमारा सैमसंग गैलेक्सी M20। सैमसंग की तरफ से आने वाला एक बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, क्योंकि ये M20 है और सैमसंग का M सीरीज तो कमाल फ़ोन निकालता ही है। और सैमसंग M20 की यूनिट तो पता नहीं चल रहा है, बट ये बहुत 1 लाख 1.5 लाख के आसपास बिक चुका है। तो और अब बात करते हैं 9th पोजीशन की। तो 9th पोजीशन पे हमारा रियलमी 3 प्रो वूक चार्जिंग के कारण और उसका कैमरा के कारण थोड़ा पॉपुलर हुआ था। उसका बैटरी तो अमेजिंग है, इसके लिए वूक चार्जिंग के कारण ज़्यादा पॉपुलर होता है। 1.7 लाख यूनिट बेच चुका है, तो ये भी बहुत अंडररेटेड स्मार्टफोन है। और अब बात करते हैं 8th पोजीशन की तरफ। तो 8th पोजीशन पे हमारा वीवो Z1 Pro, वीवो की तरफ से आने वाला पहला पंच होल कैमरा, और ये 5000 mAh की बैटरी और पंच होल के कारण ही ये फेमस है, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा के कारण। इसका नंबर ऑफ यूनिट सामने नहीं आया है, क्योंकि ये नंबर ऑफ यूनिट इतना नहीं था, बट ये 8th पोजीशन पर है। ये फ़ोन भी बहुत बिका है। और अगर 7th पोजीशन की बात करें तो 7th पोजीशन है हमारा रियलमी 3i। रियलमी का सबसे एक कॉमन फ़ोन है, जो 8000 की प्राइस पॉइंट पर आता है। ये तो बहुत अच्छा फ़ोन है, बट इसका सेलिंग भी बहुत अच्छा हुआ है। नंबर ऑफ़ यूनिट की बात करें तो नंबर ऑफ़ यूनिट इसका सामने नहीं आया है, कंपनी बताया नहीं, तो ये फ़ोन भी बहुत अच्छा था। 7th पोजीशन पर आता है। और अगर 6th पोजीशन की बात करें तो 6th पोजीशन में हमारा Realme 5, 1.2 लाख यूनिट बेच चुका है Realme 5, जो 10000 रुपये में सबसे वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है क्वाड कैमरा के साथ। तो ये फ़ोन भी बहुत अच्छा है, 1.2 लाख फ़ोन बिक चुका है। और अगर 5th पोजीशन की बात करें तो 5 नंबर पर है हमारा Redmi 7A। Redmi 7A बहुत बिका है, क्योंकि अंडररेटेड स्मार्टफोन था एंट्री लेवल, जो पहली बार स्मार्टफोन ले रहा था यही स्मार्टफोन ले रहा था। Redmi 7A बहुत इंटरेस्टिंग फ़ोन था, और Redmi 7A की नंबर ऑफ यूनिट कितना बिका है तो ये तो कंफर्म नहीं है, बट Redmi A सीरीज़ जो है 5A 6A 7A 4A 8A सबके मिलाकर 23.6 मिलियन यूनिट बिक चुका है, मतलब 2 करोड़ से भी ऊपर बहुत यूनिट बिक चुका है, माय गॉड। और अगर 4th नंबर की बात करें तो 4th नंबर पे हमारा Realme 3। इसका नंबर ऑफ यूनिट की बात करें तो 0.5 मिलियन यूनिट बिका है, यानी 5 लाख यूनिट बिक चुका है इस फ़ोन का। तो 5 लाख यूनिट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है 5 लाख यूनिट। ये बहुत अच्छा फ़ोन था Realme 3 उस टाइम पे, 9000 रुपये में आने वाला Helio P70 के साथ आता था। उस टाइम पे बहुत अच्छा फ़ोन था, इस टाइम पे नहीं है, बट उस टाइम पे बहुत अच्छा फ़ोन था। और 3rd नंबर की पोजीशन पे बात करें तो वही Redmi Note 7S जो था ना, वो बहुत बिका है, क्योंकि उसमें ही जो 5 मिलियन यूनिट है ना, उसमें ये भी शामिल है, क्योंकि इसको और उसको मिला के ही सारे बिक चुका है। Redmi Note 7S 10000 के अंदर आने वाला पहला फ़ोन Full HD डिस्प्ले के साथ, और 48 मेगापिक्सल का कैमरा के साथ, और आगे भी और पीछे भी गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ। तो काफ़ी अच्छा नंबर है, और बिका है भी बहुत अच्छा है Xiaomi की तरफ से। और अगर 2nd पोजीशन की बात करें तो 2nd पोजीशन है हमारा Realme C2। Realme की तरफ से 6000 रुपये में आने वाला एक काफ़ी स्टाइलिश दिखने वाला काफ़ी अंडररेटेड फ़ोन है, ये बहुत अच्छी बिका है, 1 मिलियन यूनिट बिका है ये फ़ोन, बहुत अच्छा बिका है। तो फ़ोन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर पे है Redmi Note 7 Pro, Xiaomi का सबसे पॉपुलर स्मार्टफोन Redmi Note 7 Pro। ग्लोबली तो इसका 10 मिलियन से भी ज़्यादा यूनिट बिक चुका है, इंडिया में पर्टिकुलर 5 मिलियन यूनिट बेच चुका है Xiaomi। बट ये Redmi Note 7 का ही खाली नहीं है, Redmi Note 7 सीरीज़ का है, Redmi Note 7, Note 7 Pro, इन सबको मिला के 5 मिलियन यूनिट
अगर देखा जाए तो आधा पकड़ सकते हो तो 2.5 मिलियन यूनिट बेच चुका है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। तो सारे फ़ोन का मैंने बता दिया 10th पोजीशन के लेकर। दोस्तों वीडियो कैसा लगा और आपका फेवरेट फ़ोन इनमें से कोई है या नहीं कमेंट कर देना, और आपके हाथ में जो फ़ोन है इनमें से कोई एक फ़ोन है तो बता देना। और मेरा तो रियल मी 3 प्रो है, मेरा 8 नंबर की पोजीशन पर जाता है, तो काफ़ी अच्छी बात है, 9th पोजीशन पर जाता है, तो ठीक है, अच्छा ही है। दोस्तों फिलहाल भी इतने ही वीडियो देखने, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लग जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों प्लीज़ बताओ कि नेक्स्ट वीडियो जो हो, मैंने इसके अगली वाली वीडियो डाला था, मैं जो भी वीडियो डालता हूँ उसमें डिसलाइक ज़्यादा आता है, क्यों डिसलाइक करते हो प्लीज़ एक बार बताना प्लीज़। क्या मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती, मैं हार्डवर्क करता हूँ तो अच्छी नहीं लगती, प्लीज़ बताओ प्लीज़, हाथ जोड़ता हूँ, गुड बाई।